यूपी में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के बाद एक बार फिर अखिलेश मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री बनने के लिए नेताओं ने बाकायदा लॉबिंग शुरू कर दी है। बताया भी जा रहा है कि कुछ पूर्व मंत्री वापसी के जुगाड़ में हैं। खबरों के मुताबिक कुछ मंत्री अपने मौजूदा विभागों में बदलाव चाहते हैं और वो पार्टी नेतृत्व के संपर्क में हैं। खबर ये भी है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री राजा भैया अपने मंत्रालय में बदलाव चाहते हैं। वहीं अंबिका चौधरी और नारद राय कैबिनेट में वापसी के जुगाड़ में हैं। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह अपने विभाग को बचाने में जी जान से जुट गए हैं। टीम अखिलेश से भी कई विधायक लाल बत्ती के जुगाड़ में। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अवनीश, बताइए कि कौन किस तरीके से अपनी लॉबिंग कर रहा है और कितनी मजबूत है अखिलेश के मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी भूमिका। देखिए, जैसे राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव खत्म हुए उसके बाद से ही कवायद शुरू हो गई है। अलग अलग खेमों में खेमेबंदी शुरू हो गई है। तमाम जो शीर्ष नेता है समाजवादी पार्टी के, उनके यहाँ पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। तमाम पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री सभी इस जुगाड़ में लगे हुए हैं कि या तो उनको बेहतर मंत्रालय मिल जाए या फिर उनकी वापसी एक बार मंत्रिमंडल में हो जाए। और इसके लिए उनकी सक्रियता खाई पड़ रही है। कल दिन भर एक गहमागहमी बनी रही और तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। अभी देखना है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार कब करती है, लेकिन हर कोई आंख लगाए हुए है। खासतौर पर टीम अखिलेश से भी जो तमाम युवा सदस्य एमएलसी या एमएलए के रूप में चुन करके आए हैं, वो भी इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि सरकार के अंतिम कार्यकाल के समय में उनको भी लाल बत्ती मिल पाएगी। तो सभी तरह की कोशिशें जो है वो इस वक्त चल रही है। अपनी संभवतः या आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार होगा इस सरकार का, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में किन चीजों को प्राथमिकता पर रखेगी सरकार और संगठन? देखिए, समीकरण ही उसमें सबसे महत्वपूर्ण होंगे। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन्हीं का संतुलन बनाना होता है राजनीति में। और अखिलेश मंत्रिमंडल का भी अगर ये विस्तार होता है, क्योंकि अटकलें तो काफी दिनों से चल रही है और पिछले फरवरी महीने से लगातार इस बात की चर्चा है कि अखिलेश मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से विस्तार टलता रहा। और एक बार फिर राज्यसभा के चुनाव के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि अखिलेश यादव मंत्रिमंडल का आखिरी विस्तार जल्दी होगा। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए।